राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन व जिला प्रशासन बिजनौर द्वारा मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास भवन बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर चुनाव 2022 बिजनौर उत्तर प्रदेश एमआर पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने कहा कि एमआर पाशा दिव्यांग होने के बाद भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एमआर पाशा ब्रांड एम्बेसडर 2022 राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से सभी सम्मानित दिव्यांग साथियों और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि अपने मत का 14 फरवरी को शत प्रतिशत मतदान करें और जितने भी हमारे लोग पोस्टल बैलेट से वंचित रह गए हैं वो भी मतदान केंद्र पर अपना मतदान करें और पोस्टल बैलेट के जिन जिन के नाम हैं वो पोस्टल बैलेट से मतदान करें। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, एक एक व्यक्ति को शत प्रतिशत से मतदान करना है। हम यही अपील करेंगे कि आपका एक वोट लोकतंत्र में अच्छी सरकार दे सकता है, इसलिए सभी साथी एक एक वोट की अहमियत समझे और घर से निकलकर अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करें। हम यही चाहते हैं एक शत प्रतिशत मतदान हो। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि शपथ समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि एमआर पाशा द्वारा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मतदान जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव में दिव्यांगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। 2022 विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर एमआर पाशा ने दिव्यांगों, बुजुर्गों व कमजोर लोगों से अपील की है कि विधानसभा चुनाव का मतदान नजदीक है, जिसमें दिव्यांगों, बुजुर्गों का पोस्टल बैलेट में नाम सम्मिलित हुआ है, उनका नाम बैलेट पेपर से ही कल घर पर मतदान किया जाएगा तथा जो पोस्टल बैलेट पेपर से वंचित रह गए थे वे सभी दिव्यांग, बुजुर्ग, कमजोर व्यक्ति अपने मतदान केंद्र पर जाकर शत प्रतिशत मतदान करें तथा दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि एक अच्छी सरकार का गठन हो सके।